मैं सईद हूँ और हम एक कल्चरल ग्रुप है, म्यूज़िक आर्टिस्ट एसोसिएशन है। तो आई स्टार्ट विद कि क्या हुआ था हमारे साथ। बहुत ही दुख के साथ, विद ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट एंड अपॉइंटमेंट एंड आउटरीच, वी आर्टिस्ट हु आर प्रॉमिस्ड पेमेंट फॉर आवर सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स थ्रू द कल्चरल एकेडमी शेयर द स्टोरी ऑफ अ फ्रॉड कमिटेड बाय मिस्टर महमूद शाह, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें बुक किया गया था इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के थ्रू दुबई जाने के लिए। दुबई एक्सपो 2020 फिक्की का एक इवेंट हो रहा था दुबई में, और हमें बुक किया गया था, मिस्टर महमूद शाह ने बुक किया था हमें सभी आर्टिस्ट को, और हमें वहाँ 15 दिन का ट्रिप कराया, हमसे परफॉर्म कराया 12 दिन के लिए। 15 दिन के लिए वहाँ थे और 12 दिन के लिए हमें परफॉर्म कराया, और हमारे बीच में एक कमिटमेंट हुई थी पैसों की, जो कि वो निभा नहीं पाए, जिसका इवन 20% भी हमें नहीं दिया गया। पूरा साल भर हमें ये बोलते गए कि कमेटी है, मतलब डॉज किया गया हमें कि अभी जी कमेटी बिठा रहे हैं, वेरीफाई करना है, जितने भी सारे दुनिया के बहाने थे वो उन्होंने बनाए, जबकि हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ परफॉर्म करने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। बट वहाँ से वापस आके हमें पता चलता है कि हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा था, हमें डॉज किया जा रहा था, हमें आजकल करके बोला जा रहा था कि कमिटी बिठाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट को सौंपा गया वो। बट एनीवे, मैं इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, मनोज सिन्हा साहब का, कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रमोट कर रहे हैं आर्ट और कल्चर को, और बहुत ज़्यादा चांसेस दे रहे हैं कल्चरल ग्रुप्स को, म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और वो भी वहाँ पे थे पवेलियन में, और उन्होंने भी हमें वहाँ पे विटनेस किया कि हमने परफॉर्म वहाँ पे कितने अच्छे से किया। इनफैक्ट पूरी इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर स्टूड सेकेंड जस्ट बिकॉज ऑफ आवर परफॉर्मेंसेस। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी उनको, और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के कई सारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और जिसकी वजह से ये फ्रॉड का हमें पता चला। तो ये जो पूरा इवेंट था, इसका बजट 5.5 करोड़ का था। 5.5 करोड़ के अंदर हमें, हम सबको, सबके साथ बकार बैठे हैं, सबके साथ कमिटमेंट थी 2.25 लाख की। तो वहाँ से वापस आके हमें पता चला कि पहले तो डॉज किया, डॉज करने के बाद जब पता चला, थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अप्रोच किया, तो पता चलता है टू आर सरप्राइज कि उसमें प्रपोजल में ही लिखा गया है कल्चरल ग्रुप, और लमसम में 5.5 लाख का बजट बनाया है, विच मींस बस 22% जो उन्होंने कमिट किया था। तो उसके हिसाब से हमारा फ्रॉड हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, हम सभी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द आर्टिस्ट, और कुछ लोग जम्मू से नहीं आ पाए, बस कुछ ही लोग आ पाए हैं जम्मू से, सभी नहीं आ पाए, बट मैं सबके बिहाफ पे ये चाहती हूँ कि इंक्वायरी बिठाई जाए और हमें बताया जाए कि वो जो पैसा 5.5 करोड़ का बजट था, अगर जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो वो गया कहाँ है। और हमें पूरा साल इतना घुमा के, इतना डॉज करके, जब तक कि पैसा लैप्स नहीं हुआ तब तक हमें ऐसे नचाया गया हमारे पैसे के लिए। आई थिंक हमें जस्टिस मिलनी चाहिए, ये हमारी डिग्निटी और हमारे ऑनर के साथ खेला गया है। हम आर्टिस्ट लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हम लोग बहुत दिल से अपने आर्ट और कल्चर को प्रमोट करते हैं, और अगर हमारे साथ ऐसी बेइज्जती होती है, आई डोंट थिंक हम कुछ आगे कुछ कर पाएंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें ऐसा एपिसोड विटनेस करना पड़ा, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हुआ है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये जो भी हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस पर एक इंक्वायरी बिठाई जाए और देखा जाए कि 5.5 करोड़ का बजट आखिर गया कहाँ है, अगर जेन्युइन आर्टिस्ट को, जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है तो कहाँ गया है। सो बेसिकली ये लास्ट ईयर दिसंबर में हमको बुक किया गया था, जनवरी में हमें 2 जनवरी को दुबई जाना था, 2 से 15 जनवरी हम दुबई में रहे, और उसके साथ साथ हमारा वर्बल कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि मैंने लॉयर से भी बात की, हमारा कोई रिटन कमिटमेंट नहीं हुआ था। बट जब ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसमें वर्बल कमिटमेंट भी काम करता है, जो कि 2.25 लाख पर हेड हमारा हुआ था डिसाइड सभी आर्टिस्ट का।
तो महमूद शाह साहब ने किया था डिसाइड, हमारे साथ कमिट किया था। और इस चीज़ में यही होता है कि अगर आपका ग्रुप है, एक बंदा नहीं है, एक बंदे के लिए डॉक्यूमेंट होता है, बट अगर ग्रुप में लोग जाते हैं उनके साथ कमिटमेंट होता है, तो उसके लिए वर्बल कमिटमेंट इज मोर देन एनफ। सो आपको कैसे लगता है कि एसीबी या बाकी एजेंसीज इस पे काम करेंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट इसमें अवेलेबल नहीं? दैट्स बिकॉज़ वी आर आर्टिस्ट, हम वी वुडंट यू नो वेस्ट आवर टाइम। और साथ साथ हम दुबई गए थे, वहाँ पे गवर्नर साहब भी थे, ऑनरेबल गवर्नर साहब थे, उन्होंने देखा, हमने वहाँ पे परफॉर्म किया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो छुपी हुई है, हम थे वहाँ और ये सब हुआ वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई दुराहा है कि कोई कुछ हम झूठ बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। आई मीन आर्टिस्ट आर नॉट लाइक दैट। हम चाहेंगे कि हमारे साथ इंसाफ हो जाए बस। और